हे गाइस, आज हम बात करेंगे द क्रिएशन ऑफ द गॉड वन किंगडम ऑफ द स्टॉर्म मूवी। मूवी के अंदर एक बहुत पुरानी डीमन विच आजाद हो जाती है जो कि पृथ्वी को तबाह कर सकती थी, इसलिए वारा गॉड मोंग को भेजते हैं पृथ्वी को बचाने के लिए। वो कैसे अर्थ को बचाते हैं उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखना होगी, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइस, मूवी के स्टार्टिंग में हमें कुछ डेड सिपाहियों को दिखाते हैं जिनके ऊपर बर्फ जमी हुई होती है। वो लोग एक किले के बाहर थे। उस किले का सरदार वहाँ के राजा के खिलाफ हो गया था और उसे राजा नहीं मान रहा था, इसलिए राजा का सेनापति जाओ उसे मारने आया था जो कि उसके किले के बाहर खड़ा था। उसके साथ में और ऐसे ही छोटे छोटे सरदारों के बेटे भी थे, उसमें उसका बेटा एनजीओ और उसका करीबी दोस्त कोफेड भी होता है। वो लोग किले की दीवारों पर बड़े बड़े पत्थरों से अटैक करते हैं जिससे दीवारें टूट जाती हैं, तो वो लोग अंदर चले जाते हैं। तो उस सरदार को दिख जाता है कि वो अब हारने वाला है, इसलिए वो अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन सेनापति और उसके सोल्जर एक पहाड़ पे जाकर घेर लेते हैं, जहाँ वो सरदार सेनापति के एक चाकू भी घोप देता है जिससे सेनापति का खून निकलकर नीचे गिर जाता है, और वो एक गुफा में पहुँच जाता है जहाँ पर एक शील्ड थी जो कि सेनापति के खून से टूट जाती है। फिर उसमें से एक डीमन फॉक्स की आत्मा आजाद हो जाती है। उसके बाद में सेनापति उस सरदार को मार देता है, तो उसकी बेटी ये देख लेती है और वो दुश्मनों के हाथ नहीं लगना चाहती थी, इसलिए वो अपने ही आप को अपनी एक हेयर पिन से मार देती है। तभी वहाँ एक तूफान आ जाता है। जब वहाँ से बर्फ हटी है तो वो लड़की जिंदा होती है। वहाँ के सोल्जर उसे मारने को कह रहे होते हैं लेकिन एनजीओ ने रोक लेता है। तभी सेनापति वहाँ आते हैं तो वो लड़की बेहोश हो जाती है। इसके बाद में हमें उन लोगों को जीत का जश्न मनाते हुए दिखाते हैं जहाँ सेनापति अपने जख्मों पर मरहम लगा रहे होते हैं, तो वो लड़की उठ जाती है और सेनापति से कहती है मैं जानती हूँ तुम क्या चाहते हो। फिर वो सेनापति के जख्मों को चाट लेती है जिससे वो एकदम ठीक हो जाते हैं। ये देखकर सेनापति हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे हो गया। इसके बाद में अगले दिन वो राजा के पास में जाते हैं और उसे भेंट में सरदार का कटा हुआ सर देते हैं और साथ ही साथ सरदार की बेटी भी देते हैं। सरदार की बेटी की खूबसूरती देखकर राजा का तो मुंह खुला का खुला रह जाता है। तभी रात में राजा के यहाँ भी एक जश्न होता है जिसमे अलग अलग तरह के डांस हो रहे होते हैं, तो राजा का बेटा डांस करने लगता है और अचानक से डांस करते करते वो अपने पिता के एक तलवार घोप देता है, मतलब वो राजा को मार देता है, और फिर वो पागलों की तरह फिर से डांस करने लगता है। तो कोफेट और एनजीओ से रोकने की कोशिश करते हैं, जिस बीच में कोफेट से वो मर जाता है। तो कोफेट थोड़ा डर जाता है कि अब क्या होगा, लेकिन सेनापति कहते हैं कोई बात नहीं है, तुमने जो भी किया ठीक किया, प्रिंस लालची हो गए थे, अगर वो राजगद्दी पर बैठ जाते तो खून की नदियां बहती। जो राजा मरा था उसके मरते ही हेवन में 12 गॉड्स को पता लग जाता है। उन्हें एहसास हो जाता है कि अर्थ पर तबाही आने वाली है, इसलिए वो कुनलांग माउंटेन पर आते हैं जहाँ पर 3 साधु थे। गॉड्स उन्हें सारी बातें बताते हैं और एक शस्त्र देते हैं, लेकिन देने से पहले बताते हैं कि जो भी इसे छुएगा उसकी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी। तो मोंग टाओ कहते हैं कि मैं पृथ्वी को बचाने के लिए अपनी शक्तियाँ खो सकता हूँ, और वो ही उन साधुओं में सबसे बड़े थे। उस शस्त्र को छूते ही टाओ की सारी पावर चली जाती है, इस वजह से वो अब जवान भी नहीं दिख रहे होते हैं। गॉड्स बताते हैं ये यंत्र पृथ्वी को बचाएगा क्योंकि पृथ्वी पे एक बहुत ही बड़ा संकट आने वाला है। इधर अर्थ पर सेनापति को राजा मान लिया गया था, उसका राज तिलक हो रहा होता है, तो अचानक से राजगुरु का एक यंत्र टूट जाता है और काले बादल छा जाते हैं। तो राजगुरु राजा से कहते हैं कि गॉड हमारी किसी बात से नाराज हैं, उसे ठीक करने के लिए हमें एक टेंपल बनाना होगा। तो राजा कहते हैं मैं टेंपल जरूर बनाऊंगा। इसके बाद में रात में एनजीओ महल में आ रहा होता है, तो वो देखता है कि वहाँ एक फॉक्स डीमन की आत्मा होती है जो कि किसी सिपाही को मारकर खा रही थी, लेकिन वो एनजीओ को देख लेती है इसलिए वहाँ से भागने लगती है। एनजीओ भी उसका पीछा करता है, तो वो राजा के रूम में जाती है, तो एनजीओ ये देख के बिना अनुमति के राजा के रूम में घुस जाता है, तो राजा उस पे नाराज होते हैं। वो राजा को उस आत्मा के बारे में बता रहा होता है कि उसकी नजर उस लड़की पे पड़ जाती है जिसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है, और वो कहता है यही वो डीमन आत्मा है। तो राजा उस पे काफी गुस्सा होते हैं और उसे बाहर निकाल देते हैं। तो एनजीओ के पास में कोफेट भी आ जाता है, तो एनजीओ कोफेट से कहता है कि काश हमने उस लड़की को वहीं मार दिया होता तो ये सब नहीं होता। इसके बाद में हमें एक कबीले के सरदार को दिखाते हैं जिनका नाम जी चैंग था, वो कहीं जा रहे होते हैं। तभी उन 3 साधुओं को दिखाते हैं जो कि राजधानी में घुसने की कोशिश करते हैं। तो मोंग टाओ एक आदमी को एक गोली देते हैं और उससे कहते हैं कि ये एक जादुई गोली है, इसके बदले में तुम हमें अंदर भेज दो। तो वो आदमी उन्हें ले जाने लगता है, तो टाओ नेजा और सेंग से कहते हैं कि इंसान कितने लालची होते हैं, मैंने इस इंसान को कितनी आसानी से बेवकूफ बना दिया। तभी वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ
एक बहुत बड़ा सा टेम्पल बनाया जा रहा होता है जिसकी देखरेख एनजीओ और कोफेट कर रहे थे। एनजीओ कहता है कि मेरे पिता उस फॉक्स डीमन विच के कब्जे में है, इसलिए अब राज्य तबाह होने वाला है, अब तो हमें सिर्फ गॉड ही बचा सकते हैं। इधर उन तीनों के पैरों में बेड़िया डाल दी जाती है। तब साधु को एहसास होता है कि उन्होंने उस इंसान को नहीं बल्कि उस इंसान ने साधु को बेवकूफ बना दिया। बेड़िया पड़ने के बाद में वो लोग हिल नहीं रहे होते हैं तो एक आदमी उन पे चापुक मारने वाला होता है, लेकिन नेजा उसे पकड़ लेता है और उस आदमी को घुमा के फेंकता है तो उससे ऊपर से कुछ कटे हुए पेड़ गिरने लगते हैं जिन्हें नेजा ऊपर जाके अपनी रिबन से रोक देता है, लेकिन उसमें से एक पेड़ गिर जाता है जो कि उसी इंसान पे गिरने जा रहा होता है जिसे नेजा ने फेंका था, तो उस टुकड़े को सेंग रोक लेते हैं। तभी कोफेट और एनजीओ भी वहां आ जाते हैं। इसके बाद में हमें राजा को दिखाते हैं जहां एक जादूगर उन्हें जादू दिखा रहा था जिसमें वो अपनी मुंडी को अपने शरीर से अलग करके इधर उधर घुमा रहा होता है। उसके बाद में एनजीओ वहां उन सबको लेकर आ जाता है तो टाओ वो शस्त्र राजा को देते हैं और कहते हैं ये गॉड्स ने दिया है, ये शस्त्र आपकी मदद करेगा, इससे आप दुनिया की भूख को मिटा सकते हैं, इससे आप अकाल खत्म कर सकते हैं। ये उस राजा को दिया जाता है जो कि अच्छा हो और ताकतवर हो। इस टाइम पे तो आप ही वो राजा हैं। तो वो तांत्रिक जो राजा को जादू सिखा रहा था वो शायद उस शस्त्र के बारे में जानता था, इसलिए वो कहता है अगर ये असली है तो ये आत्मा को एब्जॉर्ब कर सकता है। ये सुनते ही राजा बिना कुछ सोचे समझे वहां खड़े एक सिपाही को मार देते हैं जिसकी आत्मा को वो शस्त्र अपने अंदर खींच लेता है। तभी वो राजा के हाथ से गिर जाता है तो टाओ उसे उठा लेते हैं। ये देख के वो समझ गए थे कि राजा अच्छा इंसान नहीं है क्योंकि उसने एक सिपाही को बस ऐसे ही मार दिया था, इसलिए वो राजा से कहते हैं इसे खोलने के लिए एक डांस करना पड़ेगा और एक डांस करने लगते हैं और फिर मौका देखकर वहां से भागते हैं, लेकिन राजा के सिपाही उन्हें घेर लेते हैं। सेंग और नेजा उन सिपाहियों को मार देते हैं। उसके बाद में टाओ भाग रहे होते हैं तो वो तांत्रिक उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नेजा उन्हें अपनी रिबन से बाहर पहुंचा देता है और वो शस्त्र लेकर वहां से भाग जाते हैं। हालांकि कोफेट और एनजीओ टाओ के पीछे जाते हैं। अगले सीन में हमें तांत्रिक को दिखाते हैं जो कि एक समुद्र के बीच में था। वो वहां पर किसी शैतानी शक्ति से बात कर रहा था और उन्हें बता रहा था कि उसने शस्त्र ढूंढ लिया है, लेकिन वो शस्त्र तीन साधुओं के पास में है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। उसके पास इतनी पावर नहीं है कि वो उनसे उस शस्त्र को छीन सके, उसके लिए उसे और पावर की जरूरत होगी। तो अचानक से समुद्र के अंदर से एक पानी का हाथ निकल के आता है और उस हाथ से तांत्रिक के हाथ पे एक पावर आ जाती है जिससे वो काफी पावरफुल बन जाता है। तो वो तांत्रिक भी उन साधुओं को ढूंढने चला जाता है। तभी हमें उन तीनों साधु को दिखाते हैं जहां नेजा टाओ से कहता है कि हम इस शस्त्र को सम्राट को दे दे रहे हैं, हमें इसे क्या लेना देना कि दुनिया बसती है या बर्बाद हो जाती है। टाओ कहते हैं कि इस लालची सम्राट को तो मैं ये शस्त्र कभी नहीं दूंगा, लेकिन इसका बेटा एक अच्छा इंसान है, अगर वो राजा बन जाए तो ये शस्त्र उसको दिया जा सकता है क्योंकि वो लोगों की भलाई चाहता है, लेकिन उसके सम्राट बनने का इंतजार हम नहीं कर सकते हैं। कि तभी हमें अगले सीन में सरदार जी चैंग को दिखाते हैं। वो रात में जंगल में से कहीं जा रहे होते हैं। ये वही जंगल होता है जहां पर वो तीनों साधु थे। तभी अचानक से उन्हें एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज आने लगती है तो वो अपनी गाड़ी रुकवा कर बच्चे के पास जाते हैं जो कि एक हरे रंग का बच्चा था और वो कोई नॉर्मल बच्चा नहीं था, वो एक डीमन बच्चा था, उसे वहां कोई छोड़ गया था। पर जी चैंग को उस पर तरस आ जाता है और वह उसे पालने का फैसला करते हैं। तब वहां पर नेजा आ जाता है और जी चैंग को सावधान करता है, ये एक शैतान है, इसको मारना ही ठीक होगा। लेकिन जी चैंग को इस बात से गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि सारे बच्चे अच्छे पैदा होते हैं, वो अच्छे होंगे या बुरे होंगे ये उनकी परवरिश पे डिपेंड करता है। तभी वहां पर टाओ भी आ जाते हैं। उन्हें सरदार की बातें काफी अच्छी लगती हैं। वे कहते हैं कि आप ये बच्चा मुझे दीजिए, मैं इसकी देखभाल कुनलांग पहाड़ पे करवाऊंगा, इसको एक अच्छा डीमन बनवाऊंगा। और टाओ कहते हैं ये बच्चा आपको मिला है इसलिए आप इसका नामकरण कर दीजिए ताकि आप कभी मिले तो आप इसे पहचान ले। वो उसका नाम स्काई रख देते हैं। यह कहकर उस बच्चे को साधु को दे देते हैं। नेजा उसे लेकर कुनलांग पहाड़ी पर उड़ जाता है। जी चैंग टाओ से कहते हैं कि पृथ्वी खतरे में है, इस पे बहुत बड़ा संकट आने वाला है, इसका हम कैसे सामना करेंगे। उनकी बातों से साधु समझ जाते हैं कि यह किसी कबीले के सरदार हैं। साधु उसको एक तरकीब बताते हैं। वो जी चैंग से कहते हैं कि तुम अपने और सरदारों को बुलाओ, तो जी चैंग ऐसा ही करते हैं। टाओ उन सब से कहते हैं कि आप ही राजा का सारा काम संभालते हैं, आप लोग चाहें तो आप राजा को उसकी गद्दी से हटाकर उसकी जगह राजा बन सकते हैं।
करते हैं, और ऐसा ही करने से ये मुसीबत आपके राज्य पे से जाएगी। एक यही तरीका है जिससे पृथ्वी को बचाया जा सकता है। टाओ उन लोगों से कहते हैं, राजा इस वक्त एक चुड़ैल के कब्जे में है, इसलिए वो अपने कार्य सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, वो अपना कर्तव्य भूल गए हैं। लेकिन सम्राट का बेटा एनजीओ और वह इस राज्य और इस दुनिया को दुष्ट आत्मा से बचा सकता है। तभी वहाँ पर कोफैत आ जाता है और पूछता है कि तुम लोग सम्राट के खिलाफ बगावत करने की सोच रहे हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। वो उन सबको खत्म करने के लिए अपनी तलवार भी निकाल लेता है। तभी जी चैंग उसको देखकर चौंक जाते हैं और कहते हैं, बेटा तुम यहाँ कैसे, या तुम मुझे भूल गए। तब हमें पता चलता है कि जी चैंग ही कोफैत के पिता हैं। पर कोफैत कहता है कि आप मेरे पिता ही क्यों ना हो, लेकिन सम्राट के खिलाफ नहीं जा सकते, मैं उनके खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुनूंगा। तो कोफैत उन सबसे लड़ने की सोचता है कि तभी वहाँ पर सम्राट के कुछ और सिपाही आ जाते हैं। तो उन लोगों को पकड़कर दरबार में पेश किया जाता है, जहाँ राजा काफी गुस्सा होते हैं और उन लोगों से कहते हैं कि तुम मेरे राज्य में रहकर और मुझसे ही बगावत करने की सोच रहे थे, वहाँ पर चार कबीलों के सरदार। तभी राजा उन कबीले के सरदारों के बेटों को बुलाते हैं। वो उन लोगों से कहते हैं, या तो तुम अपने पिता को मार दो, और वो उनके पिता से कहते हैं कि अगर इन्होंने तुम्हें नहीं मारा तो मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगा, क्योंकि ये मेरी बात को नहीं सुन रहे हैं, ये राजा की बात को नहीं सुन रहे हैं, इसलिए वो लोग खुद को मारने को कह रहे हो। उनमें से दो अपने पिता को मार भी देते हैं, लेकिन कोफैत ऐसा नहीं करता है। वो राजा के सामने भीख मांगता है और उनसे कहता है कि सम्राट इन्हें मारने की जगह इन्हें कैद कर लिया जाए और सारे लोगों को बताया जाए कि इन्होंने क्या गलती की है, जो आगे कोई ऐसी गलती ना करे। तो सम्राट उसकी बात को मान जाते हैं और कोफैत के पिता को कैद में बंद कर दिया जाता है। इसके बाद में वो डीमन बिच रानी को मार देती है, जिस पर राजा उससे कुछ भी नहीं कहते हैं। लेकिन एनजीओ को ये बात पता चलती है कि उस विच ने उसकी माँ को मार दिया, तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो सीधे विच को मारने आ जाता है। वो उस विच पे तलवार से हमला करने जा रहा हो, लेकिन उसके पिता सम्राट बीच में आ जाते हैं और तलवार उनके घुस जाती है। वो कहते हैं कि तुम भी लालची हो गए, तुम राजगद्दी के लिए अपने पिता को मारना चाहते हो, इसलिए वो उसे मारने का आदेश दे देते हैं। तो सिपाही उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो वहां से बचकर भागने लगता है। हालांकि कोफैत उसे रोक लेता है, लेकिन कोफैत उसे नहीं पकड़ता है, वो उसे वहां से भगा देता है और अपने हाथ पर उसकी तलवार से कट मार लेता है। जब सिपाही वहां आते हैं तो कोफैत उनसे कहता है कि वो मुझे मारकर वहां से भाग गया। हालांकि सिपाही समझ जाते हैं कि ये अपने दोस्त को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। तभी वहां पर कोफैत का बड़ा भाई आता है, जिसे कोफैत के पिता ने वहां आने से मना किया था। अपने भाई और पिता की मुसीबत में देखकर वह चुप नहीं बैठना चाहता था, इसलिए वो उनकी मदद करने आया होता है। कोफैत का भाई सम्राट के दरबार में जाता है, जहाँ सम्राट एक ड्रम बजा रहे होते हैं। कोफैत का भाई वहाँ पर एक बांसुरी बजाता है और वो डीमन विच नाच रही होती है। कोफैत का भाई काफी अच्छी बांसुरी बजा रहा होता है, तो ये देखकर सम्राट काफी खुश हो जाते हैं और उससे कहते हैं, आज मैं काफी खुश हूँ, जो भी मांगना चाहते हो मांगो। तो कोफैत का भाई कहता है कि मेरे पिता बहुत बुजुर्ग हैं, मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें छोड़ दें और मेरे गांव वापस भेज दें। तो उस पर सम्राट थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारे पिता ने सब सरदारों को उकसाकर मेरे साथ बगावत करने की कोशिश की है, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता हूँ। तो उस पे कोफैत के भाई को गुस्सा आ जाता है और वो सम्राट से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पिता की जगह तुम मर जाओ। ये बात सुनकर सम्राट को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके बाद हमें कोफैत को दिखाते हैं, वो बाहर पहरा दे रहा होता है, जहाँ उसे टाओ दिख जाते हैं। वो उन्हें पकड़कर उनसे पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो टाओ उससे कहते हैं, मैं एनजीओ को ढूंढ रहा हूँ। तभी कोफैत टाओ को बांध कर एनजीओ के पास में ले जाता है, वहाँ पर राजगुरु भी होते हैं। टाओ उन्हें बताता है कि सम्राट पूरी तरह से उस चुड़ैल के कब्जे में है, उनको बचाने के लिए और इस दुनिया को बचाने के लिए हमें उस चुड़ैल को मारना होगा, या फिर उस चुड़ैल की सच्चाई उनके सामने लाना होगी। उसके बाद में सम्राट कोफैत के पिता मतलब जी चैंग से मिलने जाते हैं, वो उनके लिए खाना भी लेकर जाते हैं। वो उनसे कहते हैं, तुम एक अनुभवी सरदार हो और मैं भी एक अनुभवी राजा हूँ, मेरे राज्य पर एक मुसीबत आने वाली है, क्या तुम मुझे कोई सजेशन दे सकते हो कि मैं उससे कैसे निपटूं। तो उस पर जी चैंग कहते हैं कि सबसे पहले तो तुम्हें उस बिच का साथ छोड़ना होगा, क्या तुम में इतनी हिम्मत है। तो सम्राट जी चैंग को एक बांसुरी दिखाते हैं, बांसुरी देखकर वो समझ जाते हैं कि ये उनके बड़े बेटे की बांसुरी है। तो वो सम्राट से पूछते हैं कि क्या मेरा बड़ा बेटा आया था। तो सम्राट कहते हैं, तुम्हें अपने बड़े बेटे का स्वाद भी नहीं पता। तब पता चलता है कि सम्राट ने उनके बड़े बेटे को मार दिया और उसको ही पकाकर उन्हें खिलाया है। ये सुनकर जी चैंग बहुत गुस्से में आ जाते हैं और उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन सिपाही उन्हें रोक लेते हैं और उन्हें बाहर ले जाकर छोड़ देते हैं। तो जी चैंग अपने बड़े बेटे के मरने के गम में पागलों की तरह भटक रहे होते हैं। उस दिन सम्राट का जन्मदिन भी होता है, जहाँ पर सम्राट और वो डीमन जश्न मना रहे होते हैं। तो राजगुरु उस डीमन के पास आते हैं और उस डीमन की एक नस पकड़कर दबाते हैं, जिससे वो एकदम से चौंक जाती है। तो राजगुरु उससे कहते हैं कि अब तेरी सारी
सारी शक्ति खत्म हो जाएंगी। ये कहकर वो अपने एक चाकू को निकालकर उसे मारने जा रहे होते हैं, लेकिन सम्राट भाग कराकर उसे रोक लेते हैं और राजा पूछता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तभी वहां पर एनजीओ भी आ जाता है, उसके हाथ पैर बंधे हुए होते हैं कि राजा को ये ना लगे कि वो उन पर हमला कर रहा है। एनजीओ बताता है ये औरत नहीं आपकी पत्नी मतलब मेरी माँ को मारा है, ये एक डीमन है, ये इंसान नहीं है, ये एक विच है। और वो कहते हैं कि अगर आप अभी भी होश में नहीं है तो ये आपको भी खत्म कर देगी। तो सम्राट कहते हैं तुम्हारे पास में इसका क्या सबूत है कि ये एक विच है। तो राजगुरु कहते हैं ये बात साबित करने के लिए मैं अपनी जान देने को तैयार हूँ, अगर इसने मेरे दिल को खा लिया आप समझ लेना कि ये चुड़ैल है। ये कहकर राजगुरु अपने सीने से अपने दिल को निकाल कर उसके हाथ में दे देते हैं और वो तुरंत ही उनके दिल को खा जाती है और फिर उसकी डीमन बॉक्स आत्मा भी बाहर आ जाती है। लेकिन राजा उस आत्मा को खत्म करने की वजह उससे कुछ नहीं कहते हैं। वो कहते हैं कि मैं इसे क्यों मारूं, इसने तो सिर्फ मेरी मदद की है। ये सुनकर वो सारे लोग चौंक जाते हैं। तब फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब जब राज्य में कुछ बुरा हुआ है तो वो उस विच के कारण ही हुआ है। फ्लैशबैक में हमें ये भी दिखाया जाता है जो राजा के बेटे प्रिंस ने अपना आपा खो दिया था और राजा को मार दिया था और वो पागलों की तरह डांस कर रहा था, वो सब उस विच का ही कराया धराया था, क्योंकि वो जानती थी कि सेनापति यही चाहते थे। अपने पिता के मुंह से ये सारी बातें सुन के एनजीओ को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपने पिता पर हमला करने जा रहा होता है, लेकिन कोफेड उसे रोक लेता है। अब वो राजा से कहता है मुझे लग रहा था कि ये आप पे हमला करेगा तो मैंने इसलिए इसे रोक लिया। तो उस पे सम्राट कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें मुझसे कोई भी लगाव नहीं है, तुम सिर्फ अपने दोस्त एनजीओ को बचाना चाहते थे। तभी फिर राजा कहते हैं लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ अपनी वफादारी साबित करने का, जाओ अपने पिता को ढूंढो और उनका सर काट कर मेरे पास ले आओ। तभी कोफेड अपने पिता को ढूंढने निकल जाता है और राजा अगले दिन अपने बेटे को सबके सामने मारने जा रहा होता है। तभी कोफेड आ जाता है अपने पिता का कटा हुआ सर लेकर। सम्राट बहुत ही खुश होता है कि तुमने अपनी वफादारी दिखा दी। उसके बाद में सम्राट एनजीओ का सर काटने का आदेश दे देता है। एक सिपाही एनजीओ का सर काटने जा रहा होता है, वहां पर टाव भी होते हैं, वो सोच रहे होते हैं उनके दोनों शिष्य जल्दी से वहां आ जाएं और कोई करिश्मा करके एनजीओ को बचा लें क्योंकि उनकी पावर सारी जा चुकी थी। तभी अचानक से जो सिपाही एनजीओ का सर काटने जा रहा था उसके एक तीर आके लगता है। दरअसल में सम्राट के कुछ सिपाही सम्राट के खिलाफ हो गए थे जिन्होंने एक गलत गुट बना लिया था। सम्राट उन सबको मारने का आदेश देता है, लेकिन तभी कोफेड सम्राट के गर्दन पर तलवार रख देता है। सम्राट के हाथ से वो थैला गिर जाता है जिसमें कोफेड के पिता का सर था, तो वो सर बाहर निकल आता है लेकिन उसमें उसके पिता का सर होता ही नहीं है। इस बीच में ही वो आदमी एनजीओ का सर काट देता है और उसे मार देता है। कोफेड और सम्राट के बीच में एक खतरनाक लड़ाई होने लगती है। तभी टाओ के दोनों शिष्य वहां आ जाते हैं, तो टाओ उनसे कहता है कि एनजीओ को और एनजीओ के कटे हुए सिर को कुनलांग पर्वत ले जाओ और गॉड्स को वहां बुलाओ और एनजीओ को जिंदा करवाओ, वरना ये दुनिया मिट जाएगी। वो दोनों टाओ की बात सुनते हैं और एनजीओ की बॉडी को और उसके सर को कुनलांग पर्वत के लिए लेकर निकल जाते हैं। तभी वहां पर वो तांत्रिक भी आ जाता है। कोफेड सम्राट के सीने में तलवार भोंक कर उसे नीचे फेंक देता है जिससे उसकी जान चली जाती है। फिर कोफेड अपने साथियों के साथ में और टाओ को लेकर वहां से भागने लगता है। तभी तांत्रिक अपनी पावर से वहां के दो बड़े ड्रैगन स्टैचू में जान डाल देता है जो कि ड्रैगन बनकर कोफेड का पीछा करने लगते हैं। तभी हमें कोफेड के पिता को दिखाते हैं जो कि एक घोड़े पर बैठकर कहीं जा रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कुछ सिपाही घेर लेते हैं जो कि उन्हें नीचे गिरा देते हैं। वो उन्हें मारने जा रहे होते हैं कि अचानक से वहां पर एक अजीब दिखने वाला डीमन आ जाता है और उन्हें उठाकर ले जाने लगता है। वो डीमन बहुत ही खतरनाक था, वो लोग उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं लेकिन उसका कुछ नहीं कर पाते हैं। वो उन्हें उड़ाकर अपने साथ ले जा रहा होता है तो वो उस पर एरो भी शूट करते हैं, लेकिन वो अपनी परों से एक ऐसी एनर्जी निकालता है जिससे वो सारे के सारे एरो वहीं जल जाते हैं और वो कोफेड के पिता को लेकर उड़ जाता है। इधर कोफेड और टाओ का पीछा वो ड्रैगन डीमन कर रहे थे, तो कोफेड टाओ के कपड़े लेकर एक अलग दिशा में भागने लगता है और बाकी सारे लोग दूसरी जगह भाग जाते हैं। तो वो दोनों ड्रैगन कोफेड के पीछे चले जाते हैं क्योंकि तांत्रिक को ये लग रहा था कि वो टाओ है और उसी के पास में वो शस्त्र है क्योंकि उसे तो सिर्फ उस अस्त्र से मतलब था। लेकिन कोफेड पहाड़ के सिरे पर आकर रुक जाता है, तो मंत्री को पता चलता है कि यह असली साधु नहीं है, वो चौंक जाता है। इस तरह वो दोनों ड्रैगन कोफेड की तरफ आ रहे होते हैं तो कोफेड नीचे की तरफ कूद जाता है। जो खतरनाक सा डीमन था वो जी चैंग को उनके गांव में ले आता है। वो उस डीमन से पूछते हैं तुम कौन हो, तुमने मुझे क्यों बचाया। तब वो डीमन उनसे कहता है कि आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं स्काई हूं। तब जाकर उन्हें पता लगता है ये वही बच्चा है जो उन्होंने जंगल में मिला था, जिसे टाओ ने कुनलांग पर्वत भेज दिया था। तभी हमें कोफेड को
दिखाते हैं जो कि अब नदी के किनारे बेहोश पड़ा होता है। उसके पास में उसका घोड़ा आता है और उसे उठाकर अपने गांव में ले आता है। तो कुफेट अपने पिता के पास में आता है। इधर हमें राजा और उस चुड़ैल को दिखाते हैं। वो विच राजा के जख्मों को चाट कर उसे ठीक करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो ठीक नहीं होते हैं। फिर वो अपनी आत्मा को बाहर निकालती है। अपने डीमन फॉर्म में आकर वो राजा के जख्मों को चाटती है, जिससे राजा ठीक हो जाता है। और यही इस मूवी का एंड हो जाता है। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है टाओ कहीं पर फिशिंग कर रहे होते हैं, तो तांत्रिक उनके पीछे आता है। वो उन्हें ढूंढ रहा था उस अस्त्र के लिए। उसके बाद में हमें राजमहल दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ खतरनाक से तांत्रिक और एक आदमी घुस रहा होता है, जो कि एक जलने वाले मॉन्स्टर पे बैठा हुआ था। उसके साथ में बहुत बड़े बड़े डीमन भी थे और एक बहुत ही खतरनाक सी ऐसी ही सेना थी। उसके माथे पर भी एक आंख होती है। और यही इस मूवी का एंड हो जाता है। सो गाइस, ये इस मूवी का फर्स्ट पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट अभी आया नहीं है, जैसे ही आएगा मैं उसको अपलोड कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं।